ये है गैस गांव का सैलून। गुड मॉर्निंग गैस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के अभी 6 बज चुका है। स्वागत है गैस आप सभी को फिर से एक और नए ब्लॉग में। और यहाँ पे देखो आज रात में ना पूरा तन पक चुका है, आज बहुत ज़्यादा फॉग गिर चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखे सुबह तो अभी फिर से हम लोग आज जा रहे हैं। कल हम लोगों ने एक दिन रेस्ट किया था, उस दिन हम लोग जो भी हम लोग का खेती में ना ग्रासेस वगैरह सब कुछ फिनिश कर दिया। और आज जाके सिर्फ जो भी बीज वगैरह उगाना है, जो बीन्स का, साग का, राई पत्ता का, जो भी कुछ भी हो, तो अभी जाते हैं दोस्तों। और आजकल है दोस्तों सिर्फ खेती का ही ब्लॉग खेती का आ रहा है, क्योंकि मतलब कहीं बाहर भी जा नहीं सकता, खेती करना ही होता है ना दोस्तों। और बाहर कहाँ जाऊँगा, अगर बाहर में भी जा रहा हूँ तो अकेला तीर सक के मम्मी काम करेगा, ऊपर से इधर उधर घूमने के लिए भी पैसे वगैरह चाहिए होता है, और हमारे पास तो उतना अवेलेबल पैसे नहीं है घूमने के लिए। आजकल यही ब्लॉग देखते रहिए, जब भी मेरा पेमेंट आएगा ना तो अच्छा खासा इनकम हो जाएगा, उस टाइम में पूरा मिजोरम घूम के आप लोग को पूरा का पूरा दिखाऊँगा। और गैस सुबह जो है ना सभी लोग अपना अपना खेती में जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा बहुत पूरा फूल हो चुका है, ये पूरा हमारा गांव वाला है, मेरा जीजू और सिस्टर और थ्रिसा के मम्मी और जो भी बगरा है ना सभी हमारा गांव वाला है। और सुबह सभी लोग हमारा खेती सभी खेती उस वहाँ पे है ना सजेक दौर में, इसलिए हम लोग वहीं पर काम के लिए जाते हैं। A few minutes later. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खेती पे, और यहाँ पे देखिए हम लोग का खेती, अभी त्रिशा भी जा रहे उस साइड में, और त्रिशा की मम्मी जो है यहाँ पे जो अभी मटर बचा हुआ है ना वो मटर अभी यहाँ पे उगाएगा यहाँ से लेकर इस साइड में ना, क्योंकि अलग अलग करके उगाना होता है जो भी सीड वगैरह। और यहाँ पे देखिए पूरा ये है बीन्स का दोस्तों, ये है बीन्स का सीड्स, और ये भी बीन्स, ये अलग अलग बीन्स होता है ना, ये एक लंबा करके रहता है ये वाला बीन्स। और हाँ ये भी बीन्स है दोस्तों, इसको हम लोग फेलमसुमी बोलते हैं। और यहाँ पे बीन्स का सीड, और ये बड़ा साग का वो राई पत्ता और फ्रेम का पट्टा बोलते हैं ना। और यहाँ पे देखिए कितना सीड्स आज पूरा का पूरा उगाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी जाता हूँ मैं ऊपर के साइड में, और ऊपर के साइड में हम लोग उगाएंगे वो वाला वो कद्दू का बीज। और यहाँ पे है ना गाइस यार धीरे धीरे देखो यहाँ पे अभी जो भी ग्रासेस वगैरह फिर से आ रहा है धीरे धीरे, और इसको है फिर से हटाना पड़ेगा। पे दोस्तों ये है कद्दू का बीज, और कद्दू का बीज को हम लोग ऐसे उगाते हैं, तो यहाँ पे 4-5 बीज देना है, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल देना है। यहाँ पे जो गद्दा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पूरा अभी हम लोगों ने बीच है नीचे गाड़ दिया है, यहाँ पे पूरा इस साइड में, और नीचे वाले साइड में नहीं उगाएंगे वो कद्दू का बीच। और गैस नीचे के साइड में यहाँ पे पूरा बीच उगाया है ना हम लोग, मिट्टी में गाड़ दिया है, और ऊपर वाले साइड में अभी तक कुछ भी नहीं उगाया, तो अभी ऊपर के साइड में उगाएंगे। तो इस वाले साइड में उगाने के बाद तो फिर से कि मम्मी को मैं हेल्प करने जाऊंगा, वही पे मोटर वगैरह उगाना पड़ेगा, फिर से जो बीज वगैरह होता है ना उसको मिट्टी में गाड़ देना है, उसके बाद लगभग 8-10 दिन के बाद फिर आ जाता है पौधे। और दोस्तों यहाँ पे जो कद्दू का बीज है हम लोग गाड़ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए तो इससे राउंड करके गद्दा करना होता है, उसके बाद बीज को देना है, उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डालने के बाद और हो जाता है। तो यहाँ पे वहाँ पे इस साइड में पूरा कद्दू का लगा हम लोगों ने, तो कद्दू का रेट बहुत ज़्यादा होता है ना यहाँ पे, बहुत बिकता है, इसलिए कद्दू ज़्यादा लगा दिया है। और इस साइड में जो त्रिशा की मम्मी फेलमसुमी बोलते हैं हम लोग, एक टाइप का बीन्स रहता है
उसका जो पत्ता वगैरह रहता है वो जो मिजो लोग बहुत खाते हैं दोस्तों, और मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता उसका जो पत्ता वगैरह। जब भी मतलब जब भी आ जाएगा ना जो साग वगैरह उस टाइम दिखा पाऊँगा, वो मिजो लोग ज़्यादा खाते हैं दोस्त, इसलिए हम लोग तो जो भी वगैरह होता है ना वो दिमागरी में सेल करते हैं साग वगैरह। तो अभी मैं इस साइड में त्रिशा की मम्मी जो है जो बीज है उसको उगा रहे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं दोस्तों। और गैस हम लोग जो बीज है ना जो चीज़ को हम लोग चकमा लैंग्वेज में बोलते हैं बीजी, तो इसका मतलब इसका जो बीजी है इसका जो बीन्स है बीन्स को हम लोग बोलते हैं हेमसुमी है, ये तो चकमा लैंग्वेज में हो गया हेमसुमी बीजी। तो अभी इसको मैं निकालता हूँ, ये वाला जो बीज है दोस्तों यहाँ पे, और ये अलग एक बीज होता है ये वाला हम लोग बोलते हैं आरिमाचे सुमी। तो ये वाला जो बीज है ये हर एक ही साथ में सब मिट्टी में गाड़ूंगा मैं, तो मिक्सिंग ये दोनों मिक्सिंग करूँगा। ये वाला लंबा लंबा होता है दोस्तों, लगभग वन हैंड जैसा लंबा होता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने लंबा वाला बीन्स और लंबा वाला बीन्स का सीड्स और शॉर्ट वाला बीन्स का सीड्स मिक्सिंग कर दिया है। अभी दोस्तों ये वाला मैं करता हूँ और त्रिशा की मम्मी फिर से वहाँ पे जा चुके हैं और अलग वाला बीज है उगा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों अभी ना मैं बीन्स को जो बीज है अभी इसको मिट्टी में गाड़ दूंगा। अभी 9 बज चुका है तो अभी धूप अभी तक नहीं निकला दोस्तों, और हमारा जो बीज उगाने का जो प्रोसेस है ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे कोद कोद के हम लोगों ने जो लगा दिया, तो यहाँ से लेकर ना दोस्तों पूरा त्रिशा की मम्मी को दिख रहे ना आप लोग, वहाँ तक हम लोगों ने वो एक टाइप का बीन्स है दो टाइप का भी, एक टाइप का लंबा लंबा एक टाइप का जो शॉर्ट शॉर्ट बीन्स है उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हेमसुमी और अरिमाचे सुमी चकमा में। जब भी आएगा ना जो जब भी बीन्स लग जाएगा उस टाइम ही आप लोग को समझ में आएगा अभी तक, क्योंकि मैं जो सीड्स का जो बीन्स का नाम मतलब मुझे हिंदी में पता नहीं है ना, इसलिए सिर्फ वही बोलूँगा बीन्स। तो बीन्स का जो भी है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बाकी यहाँ पे कद्दू का और अलग अलग बीन्स साग वगैरह राय पत्ता जो भी होता है सब उगा लिया है। सब बीज हम लोगों ने मिट्टी में गाड़ दिया है, लगभग लगेगा 8 से 10 दिन तक, उसके बाद ही निकलेगा। और इसके हम लोग को यहाँ पे अभी जो बीन्स वगैरह अभी यहाँ पे मिट्टी में जो बीज गड़ा है ना दोस्तों उसको वो आने से पहले क्या करना पड़ेगा, बम्बू काट के जो बम्बू का छोटा छोटा पीस बनाना पड़ेगा जैसे कि मम्मी ने दिया था वैसे हम लोग को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीज को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है, अभी ये उठने के बाद यहाँ तक आएगा ना जो साग है बीन्स का, फिर यहाँ पे एक हम लोग को एक बम्बू का टुकड़ा ऐसे उछा करके लगा देना पड़ेगा इतना तक, फिर मतलब ये जो बीन्स है उसको सहारा चाहिए होता है, उसके बाद वहीं पे बीन्स लग जाता है। तो अभी जाएंगे हम लोग क्योंकि शाम को तो हमारा काम नहीं है, और 2-3 दिनों के बाद ही हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे बम्बू वगैरह दिख रहा है मुझे, तो बम्बू काट के ना हम लोग यहाँ पे बम्बू काट के वो छोटा छोटा पीस बना के ऑलरेडी रखेंगे, उसके बाद जो भी बीन्स का साग आएगा ना उसके बाद हम लोग वहीं पर लगा देंगे। और बीस बीस में ग्रासेस वगैरह आएंगे ना कुछ 10-15 दिनों के बाद, फिर हम लोग को वो ग्रासेस भी हटाना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं हम लोग, और दोस्तों अभी हम लोग घर में भी पहुंच चुके हैं। अभी घर में पहुंचने के बाद खाना वाना पकाना है, आज क्या सब्जी खाना खाएंगे मालूम नहीं दोस्तों, कुछ भी सब्जी नहीं है अभी तक तो हमारा खेती में, तो लगभग लग जाएगा एक महीने के बाद ही हम लोगों से खेती में जो भी बीन्स वगैरह खा सकते हैं, अभी तो रेडी नहीं हुआ। अब यहाँ पे वो दादू का खेत से लेके आए थे वो ये कद्दू का फूल दोस्तों, हाँ ये कद्दू का फूल ये बहुत टेस्टी रहता है खाने में, इसी से आज काम चलेगा। अभी 10 भी बज चुका है दोस्तों, अभी तक लेकिन धूप नहीं निकला, और मैं क्या सोच रहा था मेरा उस दिन मैं बाल काटा था मेरा हेयर को तो खाट किया था एक भाई ने, तो ये वाला मैं ज़्यादा सोता सोता कर दिया उसको, बोला मैं उस टाइम आईना भी नहीं था देखने के लिए, बोला मैंने उसको सोता सोता कर दिया पूरा सोता सोता बना दिया, और फिर आज ये वाला ना काटूँगा
और यहाँ पे हम लोग सैलून ऐसे गांव में ऐसे काटते हैं बाल वगैरह। ये भी है अभी दोस्तों, मेरा वाला बाल काटूंगा और यहाँ पे देखिए धूप भी निकल चुका है। काटने के बाद दोस्तों सीधा पेशाब हो जाऊंगा। ऐ काट दे रे। ये है गैस गांव का सैलून। तो गांव में कुछ सैलून वगैरह नहीं होता है ना, तो ऐसे हम लोग आपस में काट देते हैं। और ये मेरा वाला काट दे रहा है, मैं इसका वाला काट दूंगा। और गैस मेरा वाला जो हेयर कट है कंप्लीट भी हो चुका है। अभी धूप भी पूरा तेजी से निकल चुका है और यहाँ पे देखिए पूरा हेयर पूरा सब तरफ काट लिया है और छोटा छोटा बना लिया। तो अभी हम लोग सीधा दोस्तों लांच पे जाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे त्रिशा के मम्मी है ना, लांच के रेडी करके रखा है। और ये क्या है, ये है बैंगन, यहाँ पे है बीन्स। हाँ दोस्तों, ऐसा वाला है ना, तो यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हाँ, ऐसा वाला बीन्स तो आज हम लोगों ने उगाया, जो सीट जो यहाँ पे सीट देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाला। हाँ, ऐसे सीट हम लोगों ने उगाया था। और यहाँ पे कद्दू का फूल। तो अभी दोस्तों हम लोग सीधा करते हैं लंच। और गैस मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, जो हम लोगों को जो बीज उगाया था ना हम लोगों ने, ऐसा वाला बीज में जो बीन्स है, तो उसमें ऐसा वाला जो ये जो है दोस्तों बम्बू है, ये बम्बू को हम लोगों ने चीर के चार चार टुकड़ा बना दिया है। ये हम लोगों ने अपने कुछ ब्लॉग देखा होगा पहले, यहाँ पे हम लोग दीवार बनाना था, लेकिन दीवार इसको नहीं बनाया, इसीलिए ये वाला हम लोग उसी पे काम पे लगाएंगे खेती पे। तो बीन्स हम लोग ने मिट्टी में गड़ा है ना, उसी में जो भी पौधा आएगा, पौधा आने के बाद ये वाला है हेम बोलते हैं इसको हम लोग, ये बम्बू सोता बम्बू टुकड़ा इसको वहीं पर लगा देंगे। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी नहीं है, और भी ज़रूरत पड़ेगा हमें। और दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा आ रहा है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हमें तो करता आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है ना, चला तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल चलना है तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और शायद शाम को जाऊंगा मैं झींगा पकड़ने।